राइट, सो कैसी लगी आपको सूरज पे मंगल? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत रिफ्रेशिंग लगा, इतने टाइम बाद मूवी थिएटर में आके मूवी देखना। इट वाज अ नाइस कॉमेडी मूवी। एंड बहुत सारी स्टार कास्ट हैं, लाइक मनोज वाजपेयी हैं, दिलजीत हैं, फातिमा सना शेख हैं, सो आपको कैसी लगी इनकी एक्टिंग? सुपर्ब थे, दे ऑल आर सुपर्ब। मनोज वाजपेयी तो एक सुपर्ब एक्टर है एंड ही इज अ सीनियर एक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग थी उनकी। एंड फातिमा सना शेख, शी वाज आल्सो गुड। स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि अभिषेक शर्मा इज द डायरेक्टर इस फिल्म के हैं, सो कितना बांध कर स्क्रिप्ट रखती है या आपको फिल्म बोरिंग होती है? नहीं, फिल्म बोरिंग नहीं हुई, अच्छा था। बीच बीच में थोड़े कॉमेडी सीन्स थे, डायलॉग्स थे, सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मूवी। एंड और भी कोई गाना पसंद आया आपको? बसंती जो गाना है, इनिशियली मेरा आधा घंटा मिस हो गया था मूवी का, सो ये था सॉरी कौन सा था वो, हाँ डी बसंती, बसंती दैट वाज अ नाइस सॉन्ग जी। एंड कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 3.5। ओके थैंक यू जी। ये मूवी है, सुपर एक्टिंग बाय दिलजीत एंड मनोज वाजपेयी एंड द एंटायर सपोर्टिंग कास्ट ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। सो आई थिंक इतने टाइम बाद कोई मूवी आई है और वो भी अच्छी मूवी आई, सो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग जी। बहुत सारे स्टार कास्ट है, लाइक मनोज वाजपेयी हैं, दिलजीत तो सुपर भी है, दिलजीत वॉज ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग एंड आई थिंक एंटायर सपोर्ट कास्ट जो भी है सारे, सुप्रिया जो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सो आई थिंक ओवरऑल वेरी नाइस मूवी। डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे आपको? डायरेक्शन कितना बांध के रखता है आपको? या इट वॉज अ वेरी नाइस डायरेक्टेड मूवी, पंच लाइन्स बीच बीच में आना एंड ऑल दोस थिंग्स आर वेरी गुड। यस थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी, मे बी फ्रॉम 10 मिनट्स और सो, बट अदरवाइज वेरी नाइस मूवी। फातिमा सना शेख है इस फिल्म में, उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ कहेंगे आप? यस शी वॉज गुड जी, बट आई थिंक दिलजीत एंड मनोज वाजपेयी वर दी स्टार ऑफ द मूवी आई फील। सो इतने लंबे टाइम के बाद सिनेमा घर फाइनली ओपन हुआ है, सो कितना आप लोग मिस करते थे एंड क्या कहना चाहेंगे? इतना मिस करते थे इसलिए जैसे ओपन हुए वैसे आ गए पिक्चर देखने को, सो वी आर लाइक अ वेरी मच मूवी गोइंग पीपल, तो यस वी आर मिसिंग द थिएटर एक्सपीरियंस। अगेन आप आएंगे कोई फिल्म में रिलीज होंगी? 100%। सो कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 4 out of 5। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सूरज पे मंगल भारी देख कर आ रहे हैं आप, बताइए कि कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी मूवी है, कॉमेडी मूवी है, टाइम पास मूवी है जी। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं हाँ फिल्म में, सो कैसे देखते हैं आप इनके? मनोज वाजपेयी का काम बहुत अच्छा है, बाकी भी ठीक है और दो तीन गाने अच्छे हैं। दिलजीत उसका भी काम अच्छा है जी। फातिमा सना शेख एवरेज है काम उसका जी। सबसे अच्छा मनोज वाजपेयी है जी जी। फिल्म का स्क्रिप्ट कितनी बांध कर रखती है आपको, कितनी दमदार स्क्रिप्ट है? वो शादी के ऊपर है तो अच्छी स्क्रिप्ट है जी। सो कोई गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? गाना दो तीन गाने अच्छे है, एक तो गाना है बसंती जो गाना हाँ, है बसंती गाना कितना अच्छा पसंद आया आपको? अच्छा है बसंती गाना अच्छा है। एंड लंबे टाइम के बाद फाइनली सिनेमा घर ओपन हाँ, ये 8 महीने के बाद हम लोग आए हाँ, 5 महीने में आए थे, बाद में लॉकडाउन हो गया था जी, पब्लिक बहुत कम है। सो कितना मिस किया आपने? काफ़ी मिस किया, टाइम तक बहुत मिस किया, क्योंकि जो पिक्चर थिएटर में देखने को जो मज़ा है वो घर पर नहीं है, वो तो है, घर पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। सो आने वाले दिनों में और आप आएंगे पिक्चर देखने के लिए? आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कौन से फिल्म का आपको बेसब्री से इंतज़ार है? अभी जो भी नई फिल्म आएंगी हम देखेंगे। सूर्यवंशी आने वाली है हाँ, और 83 मूवी आने वाली है, तो किसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी एंड जो गाना है इस फिल्म में बसंती हाँ, वो आपको कितना इंटरटेनिंग लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है जी। सो 5 में से कितना स्टार देंगे आप? 3.5। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी मूवी, अच्छी लगी सूरज पे मंगल भारी, अच्छी लगी। एंड बहुत सारे स्टार कास्ट हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबका एक्टिंग अच्छा है। मनोज वाजपेयी हैं, नहीं उनका भी अच्छा है। दिलजीत दोसांझ, उसका भी अच्छा, सबका अच्छा है मतलब। फातिमा सना शेख है, सभी की एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी। डायरेक्शन के बारे में सर क्या कहेंगे आप? नहीं डायरेक्शन अच्छा है, 1995 का जो माहौल है वो सब का हिसाब से बताया, काफ़ी अच्छी लगी मतलब। इतने दिन के बाद आए
वो ज़्यादा एंजॉय हुआ थिएटर में आने के बाद, 6-7 महीने के बाद आए। सो मिस करते थे आप इतने दिनों? हाँ, के बाद नहीं नहीं सही मिस करते हैं। सिनेमाघर ओपन हो गए, सिनेमाघर में अच्छा हुआ, सूरज के मंगलवारी मूवी रिलीज हुई है, एक गाना है बसंती, आपको अच्छा कितना पसंद आया? नहीं अच्छा लगा, वो भी गाना अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे पिक्चर के बारे में? नहीं कुछ नहीं, डायरेक्शन कितना बांध के रखता है कि हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आपको अच्छा लगा बांध के रखते हैं आपको डायरेक्शन? नहीं थोड़ा तो ये होता है ऐसा, इमेजिन हो कर सकते हैं लेकिन चलता है अच्छा है जी। सो 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 4 दूंगा। थैंक यू सर। करिश्मा तन्ना आइटम सॉन्ग में बहुत एकदम फिट हो गई है। फिट हो गई है, आपको पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। तन्ना के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? वही अभी वो भी गाने ऐसे करें, वही करें। आप कितने देंगे 5 में से? वो गाने के ऊपर 5 में से 5 दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।